हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डे 28 है 40 डेज क्रैश कोर्स का। आपको जैसे कि पता होगा मैं सारे बेसिक टॉपिक इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। मैथ का हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ का कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिंपलीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड इक्वेशन, डीआई, मिसलेनियस के अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये सारे टॉपिक मैं उसके अंदर कवर कर रहा हूँ कौन सेक्शन के अंदर। वैसे रीजनिंग अंदर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉगिज्म, इनइक्वालिटी, डिस्टेंट डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही एज रीजनिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, पजल। पजल का जो वेटेज है मिनिमम 10 मार्क्स का वेटेज है, मैक्स टू मैक्स 15 मार्क का वेटेज, इसलिए मैंने आज पजल टॉपिक लिखा है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस आप प्रॉपरली मेरे साथ पूरा सेशन बनी रहिए, ठीक है। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखिए पजल में क्या बताया जा रहा है, 9% दिए गए आर लिविंग इन अ बिल्डिंग ऑन 9 डिफरेंट फ्लोर्स। कितने फ्लोर्स में, 9 डिफरेंट फ्लोर्स, सच एज वे द ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 9, ठीक है। विदाउट टाइम वेस्टिंग पहले डायग्राम बना लेते, क्योंकि 9 फ्लोर की बिल्डिंग बताई गई और 9 और ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है और टॉप मोस्ट फ्लोर नंबर 9 है। नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, ओके। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकंड पॉसिबिलिटी, ओके। चलो अभी सॉल्व करते हैं। अभी जो जो पॉइंट्स बताए गए थे ध्यान से देखिए, ई लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, ई जो है ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, अबव फाइव फिफ्थ नंबर फ्लोर, फिफ्थ के आगे कौन से ऑड नंबर है, सेवन और नाइन। अगर मैं ई को जो है सेवन नंबर में रख के देखो और नाइन नंबर में रख के देखो तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके बाद क्या बोला, देर आर 2% लिव बिटवीन ई एंड जी, जी इधर आ जाएगा, जी इधर आ जाएगा, ठीक है। बी लिव्स एन ऑड नंबर फ्लोर, बी जो है ऑड नंबर में रहता है बट नॉट इमीजिएट अबव और इमीजिएट बिलो जी, जी के आसपास नहीं रहता, मतलब 3 और 5 में नहीं रहता होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है 7 और 5 में नहीं रहता होगा, ठीक है। देखते उसके बाद क्या बोला है, देर आर मैनी पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एफ एज बिटवीन जी एंड के, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, जितने लोग जी और एफ के बीच में रहते हैं उतने पर्सन जी और के बीच में रहते हैं, ठीक है। अभी क्या लाइन बताई गई थी, बी जो है आसपास तो रहता नहीं है। अभी देखिए सपोज मैं जी और एफ को यहाँ पर रखूँ और जी और के को यहाँ पर रखूँ, सेम एज जी और एफ को यहाँ पर रखो और जी और के को यहाँ पर रखो, पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नहीं। और एफ लिव्स बिलो जी, एफ जो रहता है बिलो जी के रहता है, तो एफ यहाँ पर नहीं आ सकता, एफ इधर आएगा, ठीक है, और के इधर आ जाएगा। वैसे भी सेम, यहाँ पर एफ नहीं आएगा, यहाँ पर के आएगा और एफ यहाँ पर आ जाएगा, एफ, ओके। उसके बाद क्या बोला है, एच लिव्स ऑन अ ग्राउंड नंबर फ्लोर, एच जो है ग्राउंड नंबर फ्लोर यानी फर्स्ट नंबर फ्लोर में रहता है, ठीक है। ये भी हमें समझ में आ गया, देर इज 1% लिव बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कितने परसेंट गैप है, 1% गैप है। अगर मैं सी को यहाँ रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ, सपोज मैं सी को टॉप मोस्ट फ्लोर में रखता हूँ और यहाँ पर ग्राउंड यहाँ पर रखता हूँ, देखते पॉसिबिलिटी। डी डज नॉट लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, डी जो है इवन नंबर फ्लोर में नहीं रहता है, तो यहाँ पर रह सकता है, यहाँ पर भी रह सकता है, ठीक है। ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट अबव, ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव सेकेंड नंबर फ्लोर, ठीक है। जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, बी जो है ऑड नंबर में रहता है और जी के आसपास नहीं रहता, तो यहाँ पर जी के आसपास आ रहा है, मतलब हमारी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हुई, ठीक है, ओके। आया समझ में, अभी देखिए स्टार्टिंग से क्या बोला था कि ए लिव्स ऑन इवन नंबर, ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अभी स्टार्टिंग से देखिए, देर इज 1% लिव बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में कितने परसेंट गैप है, 1% गैप है, सी और ई के बीच में कितने परसेंट गैप है, 1% गैप है, ठीक है। तो ई को मैंने यहाँ रखा था और सी को मैं यहाँ, अगर यहाँ रखूँ तो पॉसिबिलिटी देखते हैं अभी, क्योंकि मैंने ऊपर लेके देखा तो नहीं, बेटर है पॉसिबिलिटी। उसके बाद क्या बोला, बी जो है ऑड नंबर में रहता है, ठीक है, वो भी सही आ गया हमारा, और जी के आसपास नहीं रहता, तो बी जो है यहाँ पर आ जाएगा, ओके। और उसके बाद क्या बोला है कि डी डज नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लो, डी जो है इवन नंबर फ्लो में नहीं रहता, तो डी रहता है ऑड नंबर फ्लो में, ठीक है। और जो बचाव पर्सन जो ए है वो इवन नंबर फ्लो में रहता है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह हमारी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग होगी, सॉरी ये पॉसिबिलिटी हमारी सही आ गई और ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, हमारी पॉसिबिलिटी सही बैठी है, चेक करते हैं। देर आर 2% लिव बिटवीन ई एंड जी, ई एन जी के 2% गैप है। बी लिव्स एन ऑड नंबर फ्लो, बी जो है ऑड नंबर फ्लो में रहता है बट नॉट इमीजिएट अबव और इमीजिएट बिलो जी, जी के आसपास नहीं रहता बी, और बी जो है ऑड नंबर में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, देर आर मेनी पर्सन लिव बिटवीन जी एंड एफ एंड जी एन के, जी और एफ के बीच में जितने पर्सन रहते हैं उतने ही पर्सन जी एन के बीच में रहते हैं, जी और एफ के बीच में कितने रहते हैं, 1%, जी और के बीच में 1% रहेगा। एफ लिव बिलो जी, एफ कहाँ रहता है, बिलो जी रहता है, एफ जो है जी के नीचे रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एच लिव्स ऑन ग्राउंड नंबर फ्लोर, एच जो है ग्राउंड नंबर फ्लोर में रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, देर इज ओनली 1% लिव सी एन ई, सी और ई के इसमें 1% गैप है, वो भी सही है। डी डज नॉट लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, डी जो है इवन नंबर फ्लोर में नहीं है, तो डी कहां रहता है, ऑड नंबर फ्लोर में रहता है, ठीक है। ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर, सॉरी ए लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर, तो ए जो है 8th नंबर फ्लोर में रहता है, और बट
अबव सेकेंड नंबर फ्लोर, तो सेकेंड नंबर फ्लोर के ही अबव रहता है। इसी तरह हमारी पहली पॉसिबिलिटी सही आ गई और सेकेंड पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। कभी भी पजल सॉल्व करते समय दो पॉसिबिलिटी लिया करिए लीजिए, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी से अगर आपका रॉन्ग आंसर आ गया तो सेकेंड पॉसिबिलिटी से आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा जो है जो पॉइंट्स दिए रहते हैं ना वो बाजू में लिख के रखिए, ताकि आप लोग को सपोज जैसे मेरा रॉन्ग हो गया था, मैंने सी को ऊपर लेके देखा तो मेरा पॉसिबिलिटी रॉन्ग बैठ रही थी, फिर मैंने वो कट करके सी को नीचे लेके देखा तो हमारी पॉसिबिलिटी सही बैठ गई, ठीक है। वैसे आपको भी करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है आप ऑन द स्पॉट कैसा क्लिक नहीं होता कि हाँ ये सही है कि ये सही है, इसलिए हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेके चेक करिए, ठीक है। बाकी काफी इजी पजल था और ऐसी पजल आप लोग को SBI क्लब प्रीमियम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय हिंद।